पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को दरकिनार करते हुए महिलाओं को प्रत्येक कार्यक्षेत्र में मान सम्मान दिया जाना चाहिए। यह उद्गार भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अरविंद श्रीवास्तव ने खुशी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में व्यक्त किए। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान दिया जाएगा, तभी देश समृद्ध बनेगा। शहर के सुपरमार्केट में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की अध्यक्षा विमलेश मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाली महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाना संस्थान का कर्तव्य है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक डॉक्टर रवि प्रताप सिंह, सृष्टि आयुष, समाज सेवी हरिओम सोनकर, सूरज सिंह, बब्बी शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत एनजीओ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरविंद श्रीवास्तव ने समाज में सक्रिय रूप से विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली दीपमाला तिवारी, अपर्णा वर्मा, गीता सोनी, सुनीता शुक्ला, पूनम त्रिपाठी, शांति मिश्रा, शीला सोनी, पल्लवी तिवारी, गुंजन वर्मा, पूजा तिवारी, नीतू प्रजापति, रितु सिंह, कल्पना मिश्रा, वीनू मिश्रा सहित 31 महिलाओं को अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मैं अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट, जिला संयोजक एनजीओ प्रकोष्ठ भाजपा राज्य। क्या कार्यक्रम आज खुशी सेवा संस्थान एक एनजीओ यहाँ पर है, इसके भी अध्यक्ष हमारी विमलेश मिश्रा जी हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है यहाँ पर, जिसमें कि जो है खास तौर से जो महिलाएं विशेष रूप से जो अच्छा कार्य करें समाज में, तो ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है ताकि उनका उनसे प्रेरणा लेकर के और महिलाएं या और जो है लोग हैं वो लोग आगे आए और काम करें। ये कैसे चिन्हित होती है महिलाएं कि ये समाज सेवा कर रही है? क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, एनजीओ एक सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, उन्हीं को एनजीओ बोला जाता है। और जितना अच्छा जो है एक सामाजिक संस्था ये आकलन कर लेती है कि कौन सा कौन से लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज में, उतना अच्छा और कोई नहीं कर सकता।